अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हैबिट्स यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस आइकन पर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रवैये की अहमियत, कि रवैया कैसा होना चाहिए, रवैये की अहमियत। ज़िंदगी किसी भी हिस्से में कारकर्दगी तीन चीज़ों पर शामिल होती है। नंबर एक, मतलब का काम करने का इल्म। हमें उस किसी भी फील्ड में जाना है, उस मुताबिक हमने एजुकेशन हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है। नंबर दो, उस काम को करने क्या महारत, उस काम को करने की महारत हासिल करना, उसका एक्सपीरियंस गेन करना। और नंबर तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ऐसा रवैया मुतरक करे और कुछ ऐसा कर गुजरने की ख्वाहिश को पैदा करे कि उस काम में या उस काम को चार चांद लग जाए। रवैये की अहमियत कुछ इस तरीके से है, कारकर्दगी कुछ इस तरह से है, इल्म प्लस महारत मल्टीप्लाई टू रवैया। ये तीन चीज़ें इस तरीके से मैंने डिफाइन की हैं, इल्म प्लस महारत मल्टीप्लाई टू रवैया। एक शख्स एक मशीन चलाता है, सारा साल मशीन चलाता है और उस मशीन को चलाने की उसको बहुत सलाहियत है, वो इल्म रखता है कि इस मशीन को कैसे चलाना है। उसके हम उसे 100 पॉइंट्स देते हैं और उस मशीन को चलाने की उसने तरबियत भी हासिल की हुई है, वो जानता है कि इस मशीन को किस तरह से मैंने साफ रखना है, किस तरह से मैंने इसकी सफाई करनी है, किस कब और कैसे इसको मैंने तेल देना है ताकि उस मशीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके भी हम उसे 100 पॉइंट्स दे देते हैं। मशीन को चलाने, इसके सर्विस करने और इस मशीन की झाड़पोछ करने में माहिर ये शख्स इस कंपनी का बहुत पुराना और तरबियत याफ्ता रुकन है। इसने काफ़ी फोरमैन को तरबियत भी दी है और अक्सर देता भी रहता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देता रहता है इस मशीन की सर्विस से रिलेटेड। लेकिन इसके बावजूद इसकी मशीन खराब हो जाती है और जिसकी वजह से कंपनी में बहुत से हादसात भी होते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ये शख्स अपने इल्म को अपने काम में नहीं लाता, क्योंकि वो दूसरों को तो मशीन की सफाई सुथराई करने की सलाहियत करता रहता है, उसकी केयर ऑफ करने की तकीद करता रहता है, लेकिन वो खुद इस चीज़ पर खरा नहीं उतरता और वो इस मशीन की केयर नहीं करता, जिसकी वजह से उसका रवैया ज़ीरो। इस सूरत में कारकर्दगी कुछ मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि इल्म प्लस महारत मल्टीप्लाई टू रवैया। वो मशीन के बारे में वो शख्स बहुत अच्छे से जानता है, इल्म रखता है, उसके हम देते हैं उसे 100 पॉइंट्स। अच्छा भाई, उसके बाद उस काम की उसे महारत है कि इसको तेल कब देना है, इसकी सफाई कैसे करनी है मशीन की, उसके भी हम दे देते हैं इसे 100 नंबर। टोटल हो गए 200। इल्म 100 प्लस महारत 100 मल्टीप्लाई अब हमने करना है रवैये के साथ। रवैया उसका दूसरों को सिखाने में तो बेहतर है, दूसरों को वो करके तो दिखा देता है, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती करने की तो उसका खुद का रवैया ठीक नहीं होता। तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इल्म प्लस महारत, इन दोनों को जमा करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रवैये के साथ, तो आंसर हमारे पास 0, कुछ भी नहीं। अक्सर लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, उसके लिए वो तालीम भी हासिल करते हैं और महारत भी हासिल करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उनका मनफी रवैया, उनका रवैया अगर 0 है तो उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं जिनके लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के पास इल्म हासिल करने के लिए किताबें भी मौजूद हैं और महारत सीखने के लिए बहुत से मौक़ात भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो गाफिल हैं। इसलिए या तो वो सीखना नहीं चाहते या फिर वो सीखने की ख्वाहिश को ज़रूरी ही नहीं समझते कि हमें सीखने की ज़रूरत है या हमें सीखना चाहिए।
कुछ लोगों ने तारीख अपने नाम रकम की है, हालांकि उनके पास स्कूल जाने की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ उन्होंने इल्म हासिल करने और मतलूबा महारत हासिल करने के बहुत से ज़राए अपने लिए पैदा किए ताकि वो कामयाब बने, ताकि वो अपने आप को पुरएतमाद शख्सियत कहलवा सकें। इब्राहिम लिंकन उधार मांगकर किताबें पढ़ा करता था और इल्म हासिल करने के लिए उसने घास भी काटी, कारें भी धोई और घरों को सफेदी तक की, मतलब घरों को चूना वगैरह भी किया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम मुश्किलात के बाद वो अमेरिका एक पावरफुल मुल्क का सदर बना। बस इतना कहूँगा, अगर इरादा मजबूत हो हमारे पास किसी भी चीज़ को करने का, तो हर रास्ता, हर एक चीज़ निकल सकती है बआसानी, अगर हम करना चाहें तो। ऐसे मौजज़े हमारी ज़िंदगी में भी हो सकते हैं। एक मजबूत रवैया, एक मजबूत सोच और एक बेचैन सी ख्वाहिश और कुछ करने का जज्बा। इंग्लिश में कहें तो फायर इन द बेली असल चीज़ है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में पैदा करनी चाहिए। और एक मजबूत रवैया ही लोगों को हर मुश्किल से निजात दिला सकता है। ये बस एक छोटा सा मेरी नज़र में रवैये की अहमियत थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप भी मुझे अपने मुतालिक, अपने मशवरात के मुतालिक मुझे आगाह करें कि आपका क्या राय है रवैये के मुतालिक। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया। अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।